Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back. जिंदगी सवार तू एक नया बहारी हो, दुनिया ये बदल दो मैं तो प्यारा सा चमक। अरे इस वक्त कौन आया? कौन? मैं हूँ डॉली, खोल दरवाजा। ओ हाँ हाँ रुक अभी खोलती हूँ, थोड़ा वेट कर। अरे ये तूने अपना क्या हालत बना दिया, कुकिंग कर रही थी क्या? एप्रोन पहने हुए पैन लेके आ गई दरवाजा खोलने। हाँ यार मैं कुकिंग कर रही थी। खैर आजा आजा घर के अंदर आजा, कैसे आना हुआ? अरे तू पहले मुझे घर के अंदर लेके तो चल, फिर मैं बताती हूँ एकदम खुल के। मुझे तेरी थोड़ी हेल्प चाहिए। ओके। तूने कहा था कि तेरे घर आने को जब मुझे मैच्योर दिखना हो तो मैं आ गई। मुझे मैच्योर दिखना है वो क्या है ना, मुझे सर को अपने प्यार के जाल में फंसाना है। यू गेट इट राइट? हाँ हाँ मुझे साफ समझ आ रहा है, फंसाना है। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। तूने मेरे हाथ का जादू देखा ही नहीं, अभी ऐसा मेकअप करूंगी ना कि तू हक्का बक्का हो जाएगी। हाँ तो कर देना। A few moments later. ओ यासू, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ डेट में आ गए। तुम आने के लिए राजी हो गए, मैं कितनी खुश हूँ आज। पता है इसी वजह से कि मुझे तुम इतने पसंद हो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम कुछ आंसर क्यों नहीं कर रहे यार? मैं ही सिखा के जा रही हूँ, तुम भी कुछ बोलो। Oh my God! High heels पहन के चलना थोड़ा मुश्किल तो है, पर कोई बात नहीं, सर के लिए कुछ भी। LOL. What? What the fuck? Are you serious? Hi sir, मैं कैसी लग रही? पता है कि आपको मैच्योर लड़कियाँ पसंद है, इसलिए तो आप मोमोडिंग मैम को डेट कर रही है ना? खैर मैं भी मैच्योर बन के आ गई। कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना बहुत अच्छी? इस बुद्धू लड़की का मैं क्या करूं? अब इसको ये किसने बता दिया कि मुझे मैच्योर लड़कियां पसंद है? एक बार आप मुझे सामने से देखिए, आप मुझे बिल्कुल मना नहीं कर रहे। आओ। डॉली तुम ठीक? सर तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और मैं हमारी डेट खराब नहीं होने दे सकती। चलो यहाँ से चलते हैं। उम्मीद है तुम भी नहीं चाहते कि हमारा ये स्पेशल डे बर्बाद हो जाए। वो चले गए, उन्होंने मेरी हेल्प ही नहीं की। मैं गिर गई तब, मेरे साथ बात भी नहीं की, वो चले गए। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं सिर्फ उनके लिए इतना अच्छा सच के आई थी, क्या वो अब मुझे पसंद नहीं करते? डॉली क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है का मुझे बता सकती हो तुम? देखो तुम मुझे अगर नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे बताओ तुम, एक बार मुंडी तो ऊपर करो। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं। देखो अगर तुम मुझे अच्छा दोस्त मानती हो तो प्लीज मुझे बताओ, इससे तुम्हारा मन का बोझ हल्का होगा। वो बात मैं यासू सर को बहुत पसंद करती हूँ, पर मुझे लगा था वो भी मुझे पसंद करते हैं, पर वो मोमोरी मैम को पसंद करते हैं और ये मैं नहीं मान पा रही। मुझे नहीं लगता वो आप मुझे पसंद करते हैं बिल्कुल भी। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें वापस जरूर पसंद करेंगे, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। सच जाना का तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। कभी भी कोई जरूरत हो तो मुझसे आकर बात कर सकती हो। डॉली देखो मैंने अपना ड्रामा का ड्रेस पहन लिया, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना? पर तुम क्यों नहीं पहन रही हो? तुम तो मेन कैरेक्टर हो, तुम्हें जाके जल्दी से रेडी होना चाहिए, ड्रामा तो कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है ना। ओ
ओ हाँ, आज तो हमारा ड्रामा है ना, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, मैं अभी जाके रेडी हो जाती हूँ। ऊपर थर्ड फ्लोर में एक कमरा खाली है, तो तुम उधर जाकर रेडी हो सकती हो। हम सब ने उधर ही अपना कपड़ा बदला है। और तुम ड्रामा के बारे में कैसे भूल सकते हो, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। हाँ हाँ, जाती हूँ। क्या मतलब है ये सब हरकतें का? और तुमने ये कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? अरे दीदी, आप भूल गई, ड्रामा में मैं भी तो हूँ। आप प्रिंसेस तो, मैं वैम्पायर हूँ। भूल गई, हम उस दिन ही तो प्रैक्टिस कर रहे थे। और मुझे काफी मजा आता है आपको परेशान करने में। वेरी फनी। हाँ वैसे तुम्हारे आंखें लाल कैसे हो गए? आंखें लाल नहीं हुई है, मैंने लेंसेस पहने ताकि मैं कैरेक्टर में घुस सकूं। वैसे आप इस ड्रेस में सचमुच के प्रिंसेस लग रहे हैं। मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अरे व्हाट इज दिस बिहेवियर, क्या कर रहे हो? चलिए दीदी, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। आइए मेरे साथ, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा। Hey, what happened? देखिए मैं इधर से जा रहा हूँ वापस कैलिफोर्निया मेरे काम के, तो मैंने सोचा कि आपको मैं लास्ट गुड बाय मेरे अंदाज में कह ही सकता हूँ। इसीलिए क्योंकि आज मैं वैम्पायर बना हूँ और मुझे कैरेक्टर में घुसना है, तो लास्ट गुड बाय मैं कहूँगा बाइट करके। पागल हो, ये कोई तरीका नहीं हुआ गुड बाय कहने का। बस अब बहुत हुआ, अब मुझसे सहन नहीं होता। मोमोरिन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा 2 मिनट बाहर आना। ये मेरा तरीका है। अरे कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पर था। पता नहीं ये ऐसी हरकतें क्यों करता है, ये सच में बहुत अजीब इंसान है। क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? हाँ तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा और हमें जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। ओह माय गॉड, सच में तुम कितने बदल गए हो, और मुझे ये बदलाव बहुत पसंद है। थैंक यू यासुओ। समझ नहीं आ रहा सर ऐसा क्यों कर रहे, मुझसे क्या गलती हो गई कि सर ऐसा बिहेव कर रहे। उम्मीद है कि ये एक बहुत ही बुरा सपना हो। ऐसे कह रही हूँ, मैं कभी आया ही नहीं इधर। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब आप इधर कोई काम था? What do you mean मैं कोई काम था? मैं इधर किस लिए आता हूँ? Obviously तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, और क्यों? ओह पढ़ाने, ओके अंदर आ जाइए। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, ऐसे चुपचाप इसको एक लगन से मैथ करते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। एटीट्यूड। मुझे सॉरी बोल ही सकती है, पर नहीं इसको नहीं बोलना, क्या हो जाएगा? एक बार सॉरी बोल देगी तो मैं कौन सा भड़क जाऊंगा, मैं माफी कर दूंगा। हेलो, क्या तबीयत खराब कर रही है, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, मैं अभी आता हूँ, तुम टेंशन मत करो, मैं आता हूँ। मुझे अभी जाना पड़ेगा, मोमोरिन की तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे बुला रही है। सर प्लीज रुक जाइए, मेरी भी तबीयत खराब है, क्या आप मेरे लिए नहीं रुकेंगे? पर क्या अगर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो? उसके पास देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, उसको मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा। सॉरी, बाय। सर रुक जाइए प्लीज, क्या आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? आप ऐसा कैसे बन गए, आप
पहले ऐसे नहीं थे। शुक्र है तुम आ गए यासुओ, मुझे बहुत तबीयत खराब लग रही थी। अब जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो चुकी है मुझे जाना चाहिए, मैं अभी जाता हूँ। जा रहे हो? पर क्यों, तुम तो अभी इधर आए थे, प्लीज मत जाओ। मुझे माफ करना, उधर डॉली मेरी इंतजार कर रही होगी, उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो बोल रही थी मुझे जाना ही होगा। प्लीज यासुओ मत जाओ, मैं विनती करती हूँ, अभी तो हमारी शादी होने वाली है, तुम अब तो उस डॉली के बारे में सोचना बंद करो, प्लीज मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमारी शादी होने वाली है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें प्यार भी करने लगूंगा, मैं सिर्फ डॉली से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी ये विनती नहीं रख सकता, I'm sorry, bye। डॉली डॉली डॉली, हमेशा सिर्फ डॉली, इस डॉली का कुछ करना पड़ेगा।